सो हेलो दोस्तों, इट्स मिस्टर नाइट और स्वागत है आप सभी का मिस्टर नाइट गेमिंग की एक और नई वीडियो पे। तो भाई लोग, जो आज के हमारा गेम प्ले होने वाला है वो है रेजिडेंट इवल 7 का गेम प्ले पार्ट नंबर 3। तो यार, पिछले गेम प्ले में क्या हुआ था कि हमने जो मियाँ थी उसको मार दिया था, मतलब ऑलमोस्ट मार ही दिया था। उसके बाद में चचा आया, इसने हमें किडनैप किया, हमने मतलब खुद को आज़ाद कराया घूमते फिरते गैराज में। पुलिस ऑफिसर को भी यहाँ बुलाया, मगर इसने यार पुलिस ऑफिसर को भी मार दिया। उसके यहाँ उसी की गन है जो हमारे पास है। फिर हमें कार से मारने की कोशिश करी, जो सामने कार थी यहाँ पर एक्सीडेंट करा के हमें मारने की कोशिश की, पर कार में आग लग गई जिससे खुद जल गया। और फिर जैसे हमने सीढ़ियों पे चढ़ने की कोशिश की तो यार इसने हमारे पिस्टल से खुद के मुँह में शूट कर लिया। तो यार वापस चढ़ते हैं और उठना जाए यार ये वापस से। तो चलो फिर आगे गेम प्ले कंटिन्यू करते हैं अपने। ओके, तो यहाँ पर कुछ तो है, शॉटगन शेल्स, यानी कि इस गेम में आगे चल के हमें शॉटगन भी मिलने वाली है। कोई नहीं, आगे चल के गेम प्ले बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यार ये क्या है, कोई फोटो फ्रेम लग रहा है देखने में। और हमने ऑक्स स्टैचू, हमें एक ऑक्स का स्टैचू मिल गया जिसका सर ही नहीं है। और ये भी कहीं ना कहीं तो यूज़ होने वाला है इस गेम में। लोग इस गैराज में अटक गए थे, मतलब कोई रास्ता नहीं था, तो शायद ये रास्ता ही बनाने के लिए होगा कि हम निकल सके इस गैराज से। तो हमें शायद से यार नीचा तो काफ़ी ज़्यादा नीचा है, यहाँ से तो जहाँ से हम आए थे हमें शायद इसके ऊपर चढ़ के कहीं जाना होगा मे बी। तो चलो ट्राई करते हैं एक बार। और एपिक फेल, कुछ नहीं हुआ, हमें नीचे ही उतरना था, सक्सेस है अपनी। तो चलो फिर यार जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से। और एक शायद ऑक्स का स्टैचू सामने वाले गेट पे यूज़ होगा, जहाँ पर मतलब कोई भी की वगैरह यूज़ नहीं दिखा रही थी। आइटम टू बी प्लेस, पर उससे पहले अपना एक गेम सेव कर लेते हैं यार। पता नहीं कौन सी जगह पर सामने कुछ आ जाए और हम लोग मर जाएं, तो सेव कर लेते हैं। फाइनली गेम सेव हो चुका है, निकलते हैं अपने। ओके, तो चलो चल के वो वाला भी गेट पे वो स्टैचू लगाते हैं। तो यार अगर आपने पिछले वाला गेम प्ले नहीं देखे हैं, इसके दो गेम प्ले पहले अपलोड कर चुका हूँ, तो उनको देख लेना, बहुत ज़्यादा शानदार गेम है यार ये। दोनों गेम प्ले बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक कर देना अभी, अगर अब तक बने हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपको और भी इस तरह के अच्छे गेम प्ले मिलते रहें। तो भाई सामने से क्या आएगा क्या नहीं आएगा कुछ नहीं पता, तो पहले से एम बना के चलते हैं। और दिखने में तो यार ये घर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब जिधर से अपन आए हैं उधर से तो बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। सामने प्रोजेक्टर है, मूवी देखने का भाई, मूवी देखने का जुगाड़ हो रखा है यहाँ पर। शूट मी भाई, गोली तो नहीं मारूंगा। ओके, कुछ जादू मंत्र कर दिया हमने यहाँ पर इसको तोड़ के। शूट मी लिखा हुआ था पर अपन ने इससे काम चला लिया। ओके, अर्गले माउंटेन 1991 7 जुलाई। ओके, गन पाउडर मिल गया हमें, इससे बॉम्ब बनाएंगे गन पाउडर से। और ये कॉइन काम कहाँ आएंगे, मतलब कोई वेंडिंग मशीन होगी क्या इस घर में। एक मिनट, फ़ोन की आवाज़ आ रही है और आवाज़ स्लो हो गई। ओके, वो रहा फ़ोन, ये वापस से जोई है कि अब ज़रूर कुछ ना कुछ बोलेगी। भाई क्या बेहूदगी थी ये, मतलब कॉल क्यों मिलाया था जब उठाना नहीं था। ओके, तो क्लॉक पेंडुलम, याद हो तो यार पिछले जो घर है अपना, मतलब यही वाला घर, इसका जो पीछे वाला साइड है, इसमें भी एक पेंडुलम वाली क्लॉक थी और उस पर एक पेंडुलम नहीं था, तो मे भी शायद ये हमें वहीं पे जाके लगाना होगा। तो चलते हैं जल्दी जाके पेंडुलम अटैच करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है यार। ओके, सो ये रही फाइनली वो घड़ी, और इसके ऊपर यहाँ पर पेंडुलम का निशान था पर पेंडुलम नहीं था, तो चलो इस पर पेंडुलम लगाते हैं सबसे पहले। और एक वाइट डॉग हेड मिल गया। ओके, तो पीछे जो शायद डॉग का स्टैचू था जो तीन सर वाला कुत्ता, मे भी शायद ये उसी के सर हैं और हमें उस पर भी लगाने हैं। और शायद वो भी कोई गेट है, जैसे कि इस गेट पे हमने एक ऑक्स का स्टैचू लगाया तो गेट ओपन हो गया, मे भी शायद उस पर हम तीन ये डॉग के स्टैचू लगाएं तो ओपन हो जाए वो भी। चलो यार चलते हैं। ये सामने कोई है क्या। ओके नहीं, ये सिर्फ पंखा था, देखो ये रहा वो।
और ये जोई तंग कर देगी भाई आज, अगर इस बार इसने कॉल नहीं उठाया मैं भाई फोन ही नहीं उठाऊंगा। मैं तो पहले कॉल करो और फिर उठाते भी नहीं हो तुम। Did my daddy give you a hard time? That's your father? Okay, तो वो जोई का पापा था। I'm sorry, but he. Nice. He's dead now. खत्म जोई, तेरे पिताजी को मार दिया। What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. Okay. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. और जोई कह रही है कि घर के बाहर निकालना है और कुछ कीज वगैरह उसके लिए चाहिए होंगी, तो ऑब्वियस यार की वगैरह तो चाहिए होंगी, ऐसे ही मतलब लॉक्ड गेट कैसे खुलेंगे इतने सारे हैं यहाँ पर। और ये प्रोजेक्टर, ओके ये क्या है, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करनी हमें, छोड़ो प्रोजेक्टर रूम में चलते हैं। पर एक मिनट, उससे पहले इधर उधर देख लेते हैं कुछ है क्या इसके ऊपर। डाइनिंग टेबल के ऊपर सिर्फ खाना है वो भी सड़ा हुआ, और कुछ नहीं। चलो प्रोजेक्टर रूम में चलते हैं और यहाँ पर से कुछ तो दिखाया जा रहा है। इस पे क्या रखना है, कॉइन ही काम आएगा क्या? ओके शायद यहीं पे कुछ तो करना होगा, समझ नहीं आ रहा है, मे भी शायद नहीं होगा यहाँ पर काम। और सामने एक स्टैचू है और ये प्रोजेक्टर, अभी कोई बटन है क्या इसमें मूवी चलाने का? नहीं है। स्काई हंटर डिपेक्टेड डॉग लुकिंग एट स्काई, और एक ईगल की फोटो है। यार यहाँ तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हुआ, मुझे लगा मतलब कोई मूवी वगैरह टाइप की चलेगी मगर। और एक मिनट, इसके पास शॉटगन है क्या? हाँ तो गाइस मैंने कहा था हमें शॉटगन मिलेगी, क्योंकि पीछे शॉटगन की एमओ मिली, मगर ये गेट कैसे बंद हो गया? कि शायद हम ये इससे शॉटगन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि शॉटगन लेने पर गेट बंद हो चुका है। हाँ मतलब जैसे हमने शॉटगन उठाई ये मूर्ति भी ऊपर हो गई और उसके कारण गेट बंद हो गया, तो शॉटगन अभी नहीं ले सकते, हमें शायद इसका रिप्लेसमेंट में कुछ रखना होगा यहाँ पर। और ये दरवाज़ा भी बंद है, कोई नहीं कोई नहीं, इसके अंदर कुछ रहता है। ओके एक फ़ोटो मिली हमें एवलिन की, 2014 की फ़ोटो है, कोई नहीं चलते हैं आगे की तरफ। हो ये बुढ़िया यहाँ पर बैठी थी क्या, इसको गोली मार दूँगा मैं? भाई मैं इसके ऊपर एम ही नहीं कर पा रहा, देखो मतलब पास जाते एम अपने आप गायब हो जाता है और शूट भी नहीं कर पा रहा। नाइस, तो मतलब ये बुढ़िया आगे चल के कुछ ना कुछ काम की होगी शायद, बस ये बैठी बैठी हमें देखती रहती है यार, कितना क्रीप है। छोड़ो चलते हैं आगे की तरफ, एंड ये वाला रास्ता कहीं बाहर जाता है क्या? यार बाहर तो अलग ही दुनिया से लग रही है, कोई नहीं यार हम गेम में बाहर भी जाएंगे। यार कहीं से आवाज़ आई मेरे को, कोई मेरे को आवाज़ आ रही है किसी के बोलने की, जैसे कि कोई रेडियो बज रहा हो। बॉक्स में से हमें हैंड गन की एमओ, इतने बड़े बॉक्स में भाई 12 गोलियां सिर्फ। और इसको खोलने के लिए यार हमारे पास एक लॉक पिक थी, पर अभी वो नहीं है, मतलब शायद से वो एक बार ही गेट को खोलने के काम आई थी बस, मे भी अब नहीं आएगी, वो शायद वहीं पे यूज़ हो गई थी, कोई नहीं। और इसको खोलने के लिए तो फिर हमारे पास मतलब कुछ भी नहीं बचा, और हथियार भी इस टाइम पे दो, अपनी हेल्थ भी फुल है, तो बस है शायद यही होगा। मे भी हमारे पास एक केमी फ्लूइड है, एक शॉटगन की एमओ है, और खुल जाए यार चाकू से खुल जाएगा क्या? नहीं, तो इसके लिए हमें की लानी पड़ेगी, तो ये वाला रास्ता लेते हैं। तो ये नीचे जाने के लिए हम ऊपर से कूद सकते हैं, मगर अभी हम लोग नहीं जाएंगे यार यहाँ से, मेरे को थोड़ा ख़राब लग रहा है। सो ये बाथरूम है, नाइस, और इनका बाथरूम तो बहुत ज़्यादा गंदा था इसलिए मैं अभी बिल्कुल नहीं जा रहा इसके बाथरूम में। हर्ब्स मिल गई हमें थोड़ी, और कि गेट तो ये भी है, बट मैं प्रेफर करूँगा पहले एक बार आगे देख के आ जाऊँ। भाई कोई गेट बंद होने की आवाज़ आई है, पर पता नहीं कौन सा हुआ, और मे बी डैडीज हॉबी, मतलब उस चाचा की हॉबी शायद यही है, रग्बी प्लेयर था क्या, पता नहीं। अब चलो तो इस घर में चलते हैं, मतलब यार घर तो वही है सेम, मतलब कमरे में, समझ गए हो यार तुम लोग, होशियार हो तुम भी बहुत ज़्यादा। ओके तो एक ये ही शॉटगन, बट वो दूसरे कमरे में है, तो हमें उसके लिए भी
यार इतने सारे स्कॉर्पियन को बना रखे हैं गेट के ऊपर, मतलब यारे पुतला एक तो इसको तोड़ देते हैं, और इसको तोड़ने से क्या होगा ये भी नहीं पता, बस तोड़ रहे हैं अपन को इन, क्यों क्योंकि मज़े आ रहे हैं। आई स्मूव दैट पीसी शीट ऑफ हिपे विकॉट, छोड़ो छोड़ो कुछ तो लिखा हुआ है यहाँ पर, बट शायद नो इन्फॉर्मेशन यूज़। और ये शायद वही रूम है, वही पक्का वही रूम है। और इन लोगों ने बिना सर हाथ के स्टैचू रख क्यों रखे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मतलब भाई स्टैचू रखने तो कम से कम ढंग के तो रखो। और डस्टबिन चेक करते, शायद इसके अंदर हर भी मिल जाती, बट नहीं, पिछले बार भी क्योंकि डस्टबिन में हमें मिली थी। और मियाँ के कैसेट मिल गई है कि रिपोर्ट में से स्टॉर्म्स कमिंग, आई हैड अ लॉट ऑफ ट्रबल क्लीनिंग अप द लास्ट वन अ फ्यू ईयर्स बैक, आई गेस टाइम द वाटर फाइनली रिसीडेड, फलान दिखड़ा ल्यूकस। और ल्यूकस तो वही बंदा है ना जो कि फन बना रहा था, उसका हाथ काट दिया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज शिप, छोड़ो छोड़ो कुछ तो लिखा हुआ है, हम इतना कुछ नहीं पढ़ सकते यार, काम की भी नहीं होती आधे टाइम तो इन्फॉर्मेशन। मोटी सी बुक, ओके सो हमें इसके अंदर से एक ब्लू डॉग हेड मिल चुका है, सही है भाई सही है। और गन पाउडर, भाई हमें पक्का शायद कोई बॉम्ब वगैरह बनाना होगा, मतलब इतना गन पाउडर का क्या काम है यार। और चलो मियाँ की रिकॉर्डिंग देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट गेम प्ले भी हमने रिकॉर्डिंग देखी थी आप सभी को याद हो तो, और रिपोर्टर वगैरह की, मतलब कैसे क्या हुआ उनके साथ, तो शायद मियाँ की भी सिमिलर होगी। हमें इसमें चलाना पड़ेगा कैरेक्टर को, अपने आप नहीं चलने वाला क्योंकि इनको भी पता यार बोर हो जाएंगे बंदे, तो बस ये रिकॉर्डिंग के नाम पर दे देते हैं, मतलब खेलना अपने को पड़ेगा कि अच्छी क्वालिटी में अपनी पत्नी, मतलब ईथन की पत्नी। ओके सो शायद ये क्लिप उसके बाद की है कि हमने मियाँ को मारा वगैरह था। और इसके भाई घाव वगैरह भर चुके हैं इसके एकदम, मतलब थोड़ा भी इसके कुछ नहीं है। और ये भाई ये पीछे वही बुढ़िया है जो कि गालियां दे रही थी अपने को। एंड या हमें कंट्रोल करना है इसको और उससे शायद भागना है बच के। और इतनी डॉल्स को सुसाइड करवा रखा भाई इन लोगों ने, डॉल के गले में फंदा। ओके सो येरा डोर, और अबे जाने दो ना, नहीं कोई नहीं दूसरी तरफ से भागेंगे भाई, हमें बस भागना है। ये भाई ये मिया को मॉमी क्यों बोल रही है कोई भी आइडिया नहीं है, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है पर बोल रही है। ओके भाई उसकी आवाज़ तो आई इवोरी, यहाँ बैठ जाऊँ क्या मैं या पीछे चली जाऊँ, मगर नहीं भाई पीछे भी नहीं जाने देगी, आ चुकी है यहाँ पर। फीड यू भाई, इसका खाना देखा है, मतलब वो इतना गंदा खाना है उसको फीड यू, छोड़ो यार, मतलब इंसानियत मर चुकी है, इंसान है भी क्या पता नहीं। ये भी शायद मुझे उस बूढ़े आदमी की तरह लग रही है, मतलब मरने के बाद भी जिंदा हो जाती है। वो शायद मियाँ की जो भी कंडीशन है इसको गिफ्ट बता रही है, भाई ऐसा गिफ्ट तुम लोगों को मुबारक यार, बेचारे की पत्नी को भी ऐसा एक गिफ्ट दे दिया इन लोगों ने। और शायद ये वही गिफ्ट है, इसके बाद ये शायद मर के भी जिंदा हो जाते हैं मे भी, और यही गिफ्ट उस बूढ़े के पास भी है। ओके तो आ चुके भाई वो रही यार, अब यहाँ पर चुप के देखते हैं, मतलब यार क्या ही है वो बूढ़ी औरत ने, एक मिनट को यार देखना ले मार देगी, यहाँ से बच के भागने का भी कोई रास्ता नहीं है। ओके तो ये यहाँ बता रही है कि जोई जो कि हमें कॉल करा करती है, मतलब फ़ोन पे, और मियाँ ईथन की वाइफ, ये दोनों मिलके कुछ प्लान कर रही हैं, और ईथन के साथ कुछ तो करने का इनको, मतलब क्या करने का है तो हमें भी नहीं पता, पर इन दोनों को मिलके कुछ करने का ईथन के साथ, देखते हैं उसको छुप छुप के। भाई शायद से हमने लकड़ी वगैरह पे, यार एक तो लकड़ियाँ ऐसी है पैर रखने से शायद आवाज़ कर गई, और उससे पता चल गया हम लोग इस तरफ छुप के रखे हैं। और अगर देखो गौर से सुनो तो तुम लोग इसकी हार्ट बीट सुन सकते हो, एक बार मैं चुप होता हूँ एक बार सुनना तुम, मतलब इसकी हार्ट बीट सुनाई दे रही है। भाई बहुत ज़्यादा डर चुकी है मियाँ, इसका मतलब इसका हार्ट इतना तेज पंप हो रहा है कि हमें सुनाई दे रहा है।
मैंने अभी नोटिस की चीज़। सही है भाई सही है। बुढ़िया देखो सामने खड़ी है मतलब, और वो शायद आगे वाला इससे पहले चेक करके आ रही है, पीछे से भाग जाए क्या? नहीं 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 मुड़ गए मुड़ गए मुड़ गए, भाग भी नहीं सकते यार, बस इधर मत आइयो बुढ़िया, निकल जाए सीधी सीधी। यार ये हॉरर गेम का ही बहुत लगता है कि मतलब एकदम पास में आके खड़े हो जाते हैं। यार इतने अचानक से बोली कि छोड़ो यार, मैं तो कह रही है कि मियाँ को अपने बच्चों को खिला देगी, और जो ल्यू को सीसी का बच्चा है क्या, और ये कह रही है कि मियाँ को ये उसको खिला देगी। भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं यार ये लोग तो। ओके ये क्या है, ये शायद कोई इंसेक्टिसाइड सा लग रहा है मुझे, कि वो मतलब इंसेक्ट्स वगैरह पे स्प्रे करने का आता है, फिर प्लांट्स वगैरह पे करते हैं ना खेतों वगैरह में, शायद वैसा कुछ है। इंसेक्टिसाइड तो नहीं, प्लांटिसाइड है शायद, नहीं शायद इंसेक्टिसाइड ही बोलते उसको भी। बट इधर कुछ है क्या, ओके नहीं है, कुछ ओपन करने का भी निशान नहीं आ रहा। मगर ये भाई जगह देखो कितनी ज़्यादा बाहर की दलदल वाली सी जगह है ना, एकदम कीचड़ कीचड़ पानी पानी। ओके तो ऐसा कुछ ही प्रोजेक्टर हमें भी दिखा था नीचे, याद हो तो आप सभी को, और सामने ईगल की इमेज थी, तो इसमें शायद हमें शेडो में भी शायद स्पाइडर के ऊपर लानी है, और उसमें भी शायद ऐसा कुछ करना पड़ेगा हमें ईगल जैसा कुछ करके। हो चुका है, अरे अप्रॉक्सीमेटली सेम ही दिख रहा है। ओके सोचने भी हमें यही करना होगा यार, और उसके बाद में एक शायद उधर भी कोई गेट खुल जाए जैसे यहाँ पर खुल चुका है, तो ये सीक्रेट डोर बना रखा है। और भाई मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया, अगर तुमने यहाँ गेट बनाया है तो इतनी पतली जगह क्यों, मतलब कोई ये तो है नहीं कि दीवार तोड़ के अंदर आ रही है, मतलब तुमने प्रॉपर गेट बनाया हुआ है यहाँ पर, वो भी एक खुफिया दरवाज़ा, थोड़ी जगह रख देते, मतलब कोई थोड़ा हेल्दी आदमी हो तो भाई निकल भी नहीं पाएगा इस जगह से। बट क्या ही कर सकते हैं यार, भूतिया गेम भूतिया लॉ। ओके तो ये शायद वो दूसरी जगह है, मतलब बीच का हिस्सा टूटा हुआ, और हम लोग उस तरफ से आए थे पूरा घूम के, और हम लोग इधर आ चुके हैं। तो चलो यार फिर आगे की तरफ निकलते हैं। ओके रुको वो आ रही है, हाँ किधर से रही है, ओके सामने से। यार ये हर कहीं से कैसे आ जाती है, All you have to do is accept her fucking gift. भाई ऐसा गिफ्ट नहीं चाहिए यार, ये मतलब समझ ही नहीं रहे ये लोग, पर हॉरर गेम यार ये, अपने समझाने से समझेंगे भी नहीं, बस अपने को सिर्फ गेम खेलना है। और पता नहीं ऐसे कितने अंधे होते हैं भूत वगैरह, मगर भूत तो नहीं है, जो भी है ये अजीब सी कुछ भी क्रिएचर। Why can't you see that? निकलते हैं यार निकलते हैं, छोड़ो। Embrace us. ओके तो इसके अंदर ये लोग पीछा नहीं करते हैं, पिछली बार उसने हमें छोड़ दिया था। ओके तो निकलते हैं। अबे 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 इसने बंद कर दिया, ये कोई फोटो है और इसका पार्ट नहीं है कुछ भी। यार भाई पूरा अंधेरा हो चुका है, कैंडल्स भी ब्लो आउट हो चुके हैं, अब पता नहीं इसमें क्या होगा। भाई क्या यार ये अचानक से बहन की मुंह के आगे आ गई, और ईथन की पत्नी को किडनैप कर चुकी है भाई, खींच के ले गई। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि वो बहन की बूढ़ी औरत खींच के ले गई ईथन की पत्नी को इस गेम प्ले में, और भाई बहुत गंदा डरा दिया अचानक से, ऐसे अंधेरे में मुंह के आगे कौन आता है यार, हमें भी नहीं पता क्या कर दिया, मगर कुछ तो किया है। वो उसका पति भाई दोनों एक नंबर के लसन है, उसके पहले वाले आप लगा लो खुद ही। अच्छा इधर एक बाथरूम भी तो था, उसको भी चेक कर लेते हैं यार, इसके अंदर क्या मिलता है, कुछ नहीं यार सच में, एक बार तो जान से निकल गई थी वो, छोड़ो मगर भाई कितना गंदा है यार ये पूल, पूल बोल रहा हूँ बाथटब। ओके रुको रुको रुको, कुछ है क्या इसके अंदर, भाई नहाया कौन था इसके अंदर पहले मेरे को ये बताओ। ओके सो वुडन स्टैचू, और यही शायद हमें वहाँ पर यूज़ करना होगा ऐसा वुडन स्टैचू, क्योंकि अब हमने पीछे देखा था मियाँ वाले क्लिप में कि उससे वो स्पाइडर की बनी, तो उससे शायद से भाई टॉयलेट के अंदर कॉइन कौन गिराता है। छोड़ो इस गेम के लॉजिक ख़त्म हो चुके हैं अब, इस जगह पर इस गेम के लॉजिक ख़त्म हो चुके हैं, पर गेम खेलने में मज़ा आ रहा है तो गेम तो खेलेंगे अपन।
भाई उस बूढ़ी के नाम पे लाइक कर दो यार, तुम लोग अपनी इन्वेंटरी फुल है तो यार कुछ चीज़ें कमेंट करते हैं अपन। वो अचानक से यार आपको भी वो पार्ट अगर हॉरर लगा तो यार एक एक लाइक बनता है यार उस चीज़ पे। तो हमने और ज़्यादा गोलियां बना ली हैं और तीन मेडिकेट है इस टाइम पे, काफ़ी है यार तीन तो। और उठाते हैं स्टैचू, निकलते हैं यहाँ से जल्दी से। हाँ हमें भी नहीं पता क्या है यार, वो बूढ़ा और वो बूढ़ी दोनों ही मतलब ओ भाई भाई भाई, भाई यार ये दोनों आज हार्ट अटैक दिखे क्या? इसका दिल, अरे इसका दिमाग देखो मतलब। My little girl has given us a gift, and this gift is with me. Okay. भाई ये सही कैसे हो गया? इसका सर सही हो गया। मतलब ये कह रहा है कि किसी little girl, मतलब शायद वो Evelyn जिसकी हमें फोटो मिली थी, उन्होंने इसको कोई गिफ्ट दिया है और शायद वही गिफ्ट है जो पूरी फैमिली पे है। और ये लोग शायद इसलिए इनको पेन वगैरह महसूस नहीं हो रहा है, ये लोग मर नहीं पा रहे हैं। चल जल्दी से ईगल का स्टैचू बनाते हैं और निकलते हैं। और कोई रास्ता क्योंकि है नहीं, अब तक कोई नया रास्ता खुल जाएगा शायद उससे। एक वैसे सीढ़ियाँ तो नीचे भी थी बट मैं ये वाला रास्ता प्रेफर करूँगा इस टाइम पे। तो यार एक पजल्स जनरली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं, तो टाइम तो लगता है इसको सॉल्व करने में। तो यार बिना आपका टाइम वेस्ट कराए मैं थोड़ा सा इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ जहाँ पर मैं इसका आंसर ढूंढ चुका हूँ पहले ही। ओके ठीक है, तो हमें आंसर मिल गया क्योंकि हम स्किप करके आए हैं। और यहाँ पर हमें एक कलर फोटो दिख रही है भाई पूरी ईगल की। तो चलो यार ये तो हो गया, पहले चल के वो एक और जो सर मिला हमें कुत्ते का वो भी लगा देते हैं क्योंकि भाई इन्वेंट्री में ऐसी जगह कम है, कब तक बचा के रखेंगे। लग गई ओके। चलो यार निकलते हैं जल्दी से यहाँ से, वो हमारे पीछे आ रहा है इस टाइम पे बूढ़ा चचा। यार ये हर हमेशा इनकी खुफिया जगह मेरे हिसाब से ऐसी होगी कि हमें घिसट घिसट के निकलना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा पतली जगह है, मगर चलो निकलते हैं यहाँ से। ओके भाई ये जगह काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है दिखने में तो, क्योंकि यहाँ पर जानवरों की खोपड़ियाँ टंगाई हुई हैं सही है, और हड्डियाँ भी उनकी और पूरा स्टैचू भी एक जानवर का, नाइस। और ये आज का गेम प्ले यार शायद मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लंबा भी खींच रहा है, तो इसको और ज़्यादा लंबा तो नहीं खींचेंगे ठीक। तो ये गेम प्ले यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको पसंद आया यार गेम तो लाइक कर दो इस गेम को। और एक मिनट ये नीचे क्या और गोलियाँ क्या? ओके तो गोलियाँ उठाते हैं और फिर से एक बार शुरू करते हैं यार गेम का आउट्रो। तो यार अगर आपको गेम प्ले पसंद आया हो तो लाइक करना वीडियो को, अपने दोस्तों में शेयर कर देना यार, सबको बताओ कि भाई मिस्टर नाइट गेमिंग पे हॉरर गेम प्ले चल रहा है रेजिडेंट ईविल 7 का, और कमेंट कर देना यार कितना प्यारा लग रहा है। और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना यार, तो कर देना कि मोटिवेशन मिलती है थोड़ी सी, हमारे भी सब्सक्राइबर गेन होते हैं तो। और तुम्हारा भाई अभी यार छोटा यूट्यूबर ही, बहुत छोटा यूट्यूबर है, तो शुरू से चैनल से जुड़ जाओ। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप ये हिरन देखो।